ये अर्थ निकाला जाए कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नैरेटिव दे दिया। रविंद्र, ये तो बहुत बड़ी खबर है, अभी तो नतीजे आए नहीं और प्रधानमंत्री ने समय का ऐलान कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री ने समय का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये परंपरा है बीजेपी का कि हर विधानसभा चुनाव या 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में आते हैं, मुख्यालय में आते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। गर्मी ज़्यादा है इसलिए 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय के सामने जो एक्सटेंशन केंद्र है वहां पर आएंगे और उनके स्वागत भी की जाएगी, वहां पर जश्न मनेगा और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि पार्टी का अपना जो सर्वे है उसमें पूर्ण बहुमत पार्टी को मिलता दिख रहा है, इसलिए ये जश्न की तैयारी भी चल रही है। और जो पहले सुबह से आपने तस्वीरें देखी, और एक बात और शोभना बता दें कि पार्टी ने जो आपने बंगाल का तस्वीरें दिखाई एक मिनट के लिए, वो अपने बूथ एजेंट जो है और उसके जो इंचार्ज है उन सबको दिशा निर्देश भी जारी किया है कि जो ईवीएम मशीन होती है 17C फॉर्म में आप देखिए कि नंबर और वोटिंग ये मैच कर रहा है कि नहीं, एक व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर लगा हुआ है कि नहीं, अगर नहीं लगा हुआ है तो तुरंत इसकी शिकायत करिए, यानी मतगणना के दौरान अपने बूथ के एजेंटों को भी सख्त निर्देश दिया हुआ। अनंत विजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है विपक्ष के ऊपर, 7 बजे संबोधन की बात कह दी है। वो मनोवैज्ञानिक दबाव आज से नहीं बना रहे हैं, वो मनोवैज्ञानिक दबाव जब ध्यान से लौटे तब से बना रहे हैं। जिस दिन लौटे उसी दिन 15 बैठक कर ली उन्होंने, 15 बैठक के बाद फिर वो एक दिन शांत रहे और आज सुबह सुबह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल सकारात्मक रूप से ये संदेश देकर बढ़ा दिया कि शाम 7 बजे मिलेंगे तब मोदी 3.0 की बात होगी। न वो लाश की बात कर रहे हैं, न वो कफन बांधने की बात कर रहे हैं, न वो कार्यकर्ताओं को मरने मारने की बात कर रहे हैं। यही होता है नेता का एक सकारात्मक संदेश। शोभना, ये गांधी का देश है, यहाँ कफन और थोड़ा सा मैं आपसे डिफर इसलिए करूंगी कि जो सत्ता में होता है वो हमेशा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और उसका जिसे कहा जाए कि वो उत्साह में दिखाई देता है, जो विपक्ष में होता है, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इस तरीके के आरोप बीजेपी ने खूब लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर। नहीं, आरोप लगाना विपक्ष का धर्म है और लगाना भी चाहिए, लेकिन जब आप आरोप के साथ हिंसा की बात करती हैं, जब आप कहती हैं कि कार्यकर्ताओं को सर पर कफन बांध लेना चाहिए, या तो डीएम रहेगा या उसकी लाश आएगी, अगर बलिया के किसी कैंडिडेट ने ऐसा लिखा है तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें करके कार्यकर्ताओं को भड़काने, लालू यादव जी की तस्वीर लाठी के साथ पोस्ट करना, ये सब प्रतीकात्मक तौर पर हिंसा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाना है।